हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। 11th क्लास अकाउंटेंसी में हम पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी। उसमें हमने पिछले वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ी थी, ठीक है। तो हमारी कॉन्सेप्ट सारी हो चुकी थी, अब हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस यानी जो पहले से चली आ रही है कुछ रीतियाँ वगैरह, वो है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब है जो रूल, प्रिंसिपल या मेथड आपने अकाउंटिंग में एक बार एडोप्ट कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए, तो एवरी ईयर आपको उनको ही फिर फॉलो करना है, ठीक है। यानी कि जो रूल्स या मेथड है कोई या प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग करते समय आपने फर्स्ट बार जो एडोप्ट कर लिया उसको, यानी कि यूज़ कर लिया है, तो हर साल आपको फिर उसको ही फॉलो करते रहना है, चेंज नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप चेंज करोगे तो क्या होगा, आपका रिजल्ट जो है वो सही नहीं आएगा। जैसे एक साल तो ज़्यादा प्रॉफिट बताएगा, अगले साल कम बताएगा प्रॉफिट, तो उस पर कंपेरिजन जो है वो सही नहीं होगा। अलग अलग इन्फॉर्मेशन आएगी, दोनों साल अलग अलग इन्फॉर्मेशन होगी जो गलत होगी। तो कंसिस्टेंसी जो कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग आपको जो मेथड आपने फर्स्ट ईयर में या एक साल में एडोप्ट कर लिए, तो हर साल फिर आपको उसी को फॉलो करते रहना है, कंसिस्टेंसी रेगुलरली उसी को फॉलो करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि अकाउंटिंग फ्लेक्सिबल है, उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन उससे आपका रिजल्ट जो है वो इफेक्टेड होगा। आपका जो प्रॉफिट आएगा या जो भी आएगा बैलेंस शीट में पोजिशन होगी वो गलत होगी, सही नहीं होगी। अगला है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोज़र। तो ये जो है, ये कंपनी अकाउंट जो है, कंपनी एक्ट 2013 उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। उसके अकॉर्डिंग ये है कि बिजनेस के लिए, ठीक है, या बिजनेस के जो यूज़र है उनके लिए जो भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको आपको अकाउंटिंग करते समय पूरी तरह से डिस्क्लोज़र, पूरी तरीके से डिस्क्लोज शो करना है, प्रेजेंट करना है वहाँ पर, ठीक है। जैसे कि आप फर्स्ट बार रिकॉर्ड करोगे जनरल एंट्री, तो उसमें आपको डिस्क्रिप्शन भी लिखना पड़ेगा, कि डिटेल भी लिखनी पड़ेगी कि ये ट्रांजेक्शन किस टाइप का था, क्या था, ठीक है। इसी तरीके से जब बैलेंस शीट बनाएंगे हम या फाइनल अकाउंट बनाएंगे, रिपोर्ट जब तैयार करेंगे, तो उसमें नीचे अलग से नोट्स लिखेंगे, ठीक है। तो उस नोट्स में बताया जाएगा कि ये जो है अलग से कोई इन्फॉर्मेशन है, तो उस नोट्स के अकॉर्डिंग दी जाएगी, ठीक है। फुट नोट बनाए जाते हैं, ठीक है, वर्किंग नोट बनाए जाते हैं इस टाइप से। तो फुल डिस्क्लोज़र इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है उसको पूरी तरीके से शो करना, रिप्रेजेंट करना, जो यूज़र के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो है फुल डिस्क्लोज़र। अगला है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म जो है उसके अकॉर्डिंग क्या है, कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग कि फ्यूचर में होने वाले लॉस, ठीक है, फ्यूचर में होने वाले लॉस को हम बिजनेस में पहले ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, लॉस मान के उसको पहले ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन जो फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट है उसको प्रॉफिट नहीं माना जाता है, ठीक है। तो फ्यूचर में होने वाला जो लॉस है उसको तो हम पहले ही लॉस मान के रिकॉर्ड कर लेते हैं और बिजनेस में लिख लेते हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है, हमको पता है कि कहीं से प्रॉफिट आने वाला है, उसको हम अभी तक रिकॉर्ड नहीं करने, जब तक वो हमारे पास आ नहीं जाता है, ठीक है, हम अर्न नहीं कर लेते तब तक उसको रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन अगर हमको पता चल गया कि लॉस होने वाला किसी भी कारण से, तो उसको हम पहले ही लाइबिलिटी मानकर रिकॉर्ड कर लेंगे। तो कंजर्वेटिव में क्या होता है कि फ्यूचर में होने वाले सारे लॉसेज और एक्सपेंसेस को, फ्यूचर में होने वाले सारे लॉसेज और एक्सपेंसेस को पहले ही रिकॉर्ड कर लिया जाता है, प्रॉफिट और इनकम को नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। प्रॉफिट और इनकम को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, केवल लॉस और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे, जो हमारी लाइबिलिटी है। लास्ट है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। तो मटेरियलिटी में क्या होता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे यूज़र का जो है डिसीजन इफेक्ट होता है, ठीक है, कोई छोटी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है, तो उसको अगर छोटी है तो उसको पूरी तरीके से डिस्क्लोज, जस्ट इसका अपोजिट है, फुल डिस्क्लोजर है उसमें कि छोटी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जाता, शो नहीं किया जाता है। अगर वो उस बिजनेस के लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जिससे डिसीजन इफेक्ट हो सकता है, तो उसको अकाउंटिंग में शो किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे हमने पढ़े कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो अब ये कन्वेंशन ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।